agriculture.com में हम आपको समय समय पर ऐसी तकनीकों की जानकारी देते रहे हैं जो भारत में खेती का चेहरा बदल रहा है। लेकिन आज महाराष्ट्र के यवतमाल के एक ऐसे हिस्से में हम आपको लेकर चल रहे हैं जहां खेती की सबसे बड़ी तकनीक ये है कि यहां कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं की जाती। इसे कहते हैं प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग, जिसके तीन मूलभूत सिद्धांत हैं। एक तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाना, दूसरा जल संरक्षण करना और तीसरा फसल चक्र को उसके प्राकृतिक स्तर पर बरकरार रखना। 17 एकड़ में फैले ये खेत, दरअसल खेत कम और प्रयोगशाला ज्यादा हैं। और इसी तर्ज पर बात अगर आगे बढ़ाई जाए तो इन खेतों में पसीना बहाकर मिट्टी से सोना निकालने वाले सुभाष शर्मा दरअसल किसान कम और वैज्ञानिक ज्यादा हैं। सुभाष शर्मा की इस प्रयोगशाला में पूरी खेती प्राकृतिक तरीके से ही होती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये जैविक खेती से अलग है। शर्मा की इस प्रयोगशाला में मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं, जहां खाद निर्माण से लेकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, जल संरक्षण के उपाय करने और फसल चक्र को कायम करने का काम होता है। यहाँ हम लोगों ने 4-5 बातों पे मुख्य ध्यान दिया है। हमने यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम किया है और साथ में ही पानी को कंजर्व करने का काम किया है। साथ में ही हमने अपने बीजों को बनाने का भी काम किया है। फसल चक्रों का अलग अलग तरीके से उसके साइंस को और उसकी तकनीकों को समझा है और उसके हिसाब से फसल चक्रों को अपनाया है। साथ में ही श्रम के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हो, उनके साथ हम कैसे अच्छे बर्ताव से अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, उस शास्त्र को खड़ा किया है। और साथ में ही हम लोग यहाँ हमारे जो कार्य किए हुए उनकी ट्रेनिंग देने का कार्य हम करते हैं कि यहाँ सप्ताह में 3 बार एक बैच में 50-50 किसानों को हम यहाँ प्रशिक्षित करते हैं और उनको यहाँ पे कृषि का प्रशिक्षण देते हैं। सुभाष शर्मा ने 1975 से खेती का काम शुरू किया था। अगले करीब 2 दशकों तक वे एक आम किसान थे जिसके लिए खेती एक मजबूरी और घाटे का सौदा थी। शर्मा के अंदर लगातार इस बात की बेचैनी थी कि खेती को मुनाफे का काम बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। इस बीच भारत में दौरे पर आए जापान के नेचुरल फार्मिंग एक्सपर्ट मसानोबू फुकुओका के बारे में पता चला और उसी समय गुजरात के भास्कर जी सावे ने भी नेचुरल फार्मिंग पर काफी काम कर लिया था। इन दोनों महानुभावों के कामों को देखने समझने और फिर नेचुरल फार्मिंग पर अध्ययन से 1994 तक शर्मा को पक्का भरोसा हो गया था कि यही कृषि का भविष्य है। शर्मा की नेचुरल फार्मिंग का एक अहम हिस्सा मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करना और उसे आगे बढ़ाना है। अभी हम लोगों ने खेत को 3 हिस्सों में बांटा है। 2 हिस्से में बेहद बहुत ज़्यादा पैदावार लेना, 1 हिस्से में सॉइल फर्टिलिटी और वाटर कंजर्वेशन, ये दोनों काम करना। तो अभी हम लोगों ने 1 हिस्से में जो करते हैं हम काम, तो अभी हमारी 13 एकड़ ज़मीन है, तो प्रतिवर्ष 4 से 5 एकड़ ज़मीन में हम ग्रीन मैन्यूरिंग के साथ हम क्रॉप को लेते हैं। तो उसके साथ मैंने यहाँ पे देखिए ये सॉइल फर्टाइल करने के लिए 3 साल में एक बार ऐसे रोटेशन आते रहता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन मैन्यूरिंग का क्रॉप लिया है, साथ में अरहर की फसल ली है। अब वो हरी खाद वहाँ पे मल्चिंग कर दिया तो वो मल्चिंग के वजह से वहाँ ह्यूमस भी तैयार होता है और उसके वजह से वो खाद के वजह से अरहर की पैदावार बढ़ती है। इस तरह से ज़मीन की उर्वरकता को भी बढ़ाया और पैदावार भी ली। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पूरी तरह से पानी रोकने का भी कार्य किया है। ये 100% यहाँ पे गिरने वाला पानी बारिश का, अभी तक 40 सेंटीमीटर बारिश हुई, एक बूंद भी यहाँ इस खेत से बह के नहीं गया। हर साल 1/3 खेत में यह प्रयोग करने से हर 4th साल पहले वाले टुकड़े का नंबर आ जाता है और इस तरह मिट्टी की उर्वरक शक्ति के संरक्षण का यह चक्र चलता रहता है। हरे खाद की खेती में मुख्य तौर पर 3 तरह के पौधे, 6 किलो बरबट्टी, 6 किलो बोरू और 2 किलो बाजरा लगाया जाता है, जिस पर प्रति एकड़ 800 रुपए बीज का खर्च आता है। इस खेती से करीब 10 ट्रॉली गोबर खाद के बराबर की खाद बनती है, जिसका बाजार भाव 2,000 रुपए प्रति ट्रॉली है। यानी 800 रुपए खर्च कर 20,000 रुपए की खाद और इसके अलावा
खेत में जगह जगह जैविक खाद बनाने के गड्ढे भी खुदे हैं, जिनसे साल भर में करीब 13 ट्रॉली खाद निकलती है। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग एक अलौकिक खाद बनाते हैं, उसमें एक ट्रॉली गोबर की खाद होती है और पावर ट्रॉली तालाब की मिट्टी होती है, और साथ ही हम लोग उसमें 30 किलो तुअर का छिलका इस्तेमाल करते हैं और 2 किलो मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं और साथ में 10 किलो गुड़ का पानी। अब इसको बनाने की विधि ऐसी है कि ट्रैक्टर की ट्रॉली पहले खाद की फैला देते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर खली के जो तुअर का छिलका है उसके 2 ढीक करते हैं और हर ढीक में 1-1 किलो मूंगफली का तेल डाल देते हैं और 10 किलो गुड़ का पानी मिला के फिर उसको मिक्स कर देते हैं। वो फिर मिक्स होने के बाद उसको हम लोग इतना पानी मार देते हैं कि गहराई तक वो चले जाए, फिर उसको कचरे से झाग देते हैं, फिर 30 दिन बाद एक बार फिर पानी मारते हैं, 60 दिन में वो एकदम चाय के पत्ती जैसा खाद बन जाता है। यवतमाल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक जिला है जहां पानी से कीमती कुछ नहीं है। ऐसे में भूजल स्तर बढ़ाने से लेकर सिंचाई के क्षेत्र में पूरी तरह वर्षा के जल पर आत्मनिर्भर होने की रणनीति शर्मा की प्राकृतिक खेती का अभिन्न हिस्सा है। वर्षा के पानी को संरक्षित रखने के लिए शर्मा ने 5 तरह की तकनीक का सहारा लिया है और उनका दावा है कि उनके खेतों में गिरने वाली बारिश की एक भी बूंद यहां से बाहर नहीं जाती। अभी जल संरक्षण के मामले में हम लोगों ने विभिन्न प्रयोग किए हैं। पहला तो हमने ये देखा है कि नेचुरल फार्मिंग होने से जीवों के द्वारा जो जमीनों में छेद होते हैं वो छेदों के थ्रू 30% पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उनकी तादाद करोड़ों में है उन जीवों की। तो पहला पानी हमने रोका नेचुरल फार्मिंग से। दूसरा पानी रोकने की क्रिया है हमारी ग्रिड लॉकिंग से, तो उसमें डोलियां बनाई जाती है 2-2 फीट पे और उसको 8-8 फीट पे या 6-6 फीट पे जमीन के ढाल के अनुसार उसको लॉक किया जाता है वो डोलियों को। इस तरह से डोलियों के ऊपर फसल लगती है, नीचे पानी सहेजा जाता है, उसको ग्रिड लॉकिंग तकनीक कहते हैं। तीसरा, हमने ये फसल लगाई है इधर, तो ये फसल में अभी ग्रिड लॉकिंग नहीं किया है तो इसमें माइक्रो लॉकिंग बनेगी। बैलों से पहले घास मारेंगे और घास मारने के बाद फिर उसमें भराव देंगे। भराव देते समय उसको जो डवरा चलाते हैं डवरे को उठाते हुए जाएंगे और उससे वो लॉक होते चल जाएगा, उसको कहते हैं माइक्रो लॉकिंग। इस तरह से वो माइक्रो लॉकिंग से हम पानी को रोकते हैं। चौथी तकनीक है हमारी कंटूर फार्मिंग की। तो कंटूर फार्मिंग में हम मार्च में चौला फल्ली की बुआई करते हैं, उसमें 2 हेतु हम साध्य करते हैं। एक तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, साथ में पूरा पानी को कंजर्व करने का काम करते हैं। इस तरह से कंटूर फार्मिंग से सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाया और पानी को भी कंजर्व किया। 80 फीट लॉकिंग वाली ट्रेंच का, तो 80 फीट लॉकिंग की ट्रेंच में हमने 100% उसका ढाल उधर दिया खेत का और उस पानी को रोका है। तो अभी हम लोगों ने इसको 4 फीट चौड़ा खोदा है और 6 फीट गहरा खोदा है। इस तरह से 80 फीट 4 फीट चौड़ा 6 फीट गहरा 80 फीट खोदने के बाद फिर 10 फीट उसको लॉकिंग रखा है। वो लॉकिंग को सरफेस जमीन से 2 फीट नीचे खोदा है। इस तरह से वो लॉकिंग को भी हमने इसलिए रखा कि पानी रुकना चाहिए, सीधा ट्रेंच बना दूंगा तो निकल जाएगा। इस तरह से हमने उसको लॉकिंग के थ्रू, तो लॉकिंग के पिछवाड़े में जहाँ ढाल है वहाँ पत्थर रख दिया, वो पत्थर के वजह से मिट्टी बह के नहीं जाती। इस तरह से 100% पानी को हमने खेत में ही रोक लिया। जब इतने सलीके से जल संरक्षित होता है तो सालाना करीब 100 सेंटीमीटर बारिश के हिसाब से शर्मा के 7 हेक्टेयर खेतों पर करीब 7 करोड़ लीटर पानी गिरता है। इसमें अगर मान लें कि 20% भाप बनकर उड़ जाता है तो 1,40,00,000 लीटर पानी बादल बन जाता है। बचा हुआ 5,60,00,000 लीटर पानी जमीन के अंदर जाता है। शर्मा का कहना है कि इसमें से करीब आधा यानी 2,80,00,000 लीटर का इस्तेमाल वे वापस साल भर तक अपने खेतों की सिंचाई में करते हैं, जबकि बाकी 2,80,00,000 लीटर भूजल में मिलकर आसपास के इलाकों के लिए ये वरदान बन जाता है। और पानी के चक्र का यही फॉर्मूला सुभाष शर्मा ने फसल चक्र को कायम करने में भी आजमाया है। इकोलॉजिकल बैलेंस जब भी होगा आपकी, जब क्रॉप रोटेशन में विभिन्नताएं होंगी तो उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा, वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए पहले तो मैं कहता हूँ कि अब इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सॉइल फर्टिलिटी का होना ज़रूरी है, पेड़ों का होना ज़रूरी है, पक्षियों का, जीवों का, सबका होना ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग एक तो जो क्रॉप लेते हैं उसका पूरा बायोमास उसमें मिलाते हैं,
एक तो प्रणाली हमने तुअर के साथ ग्रीन मैन्यूरिंग की दिखी, लेकिन अब ये जितना भी आप कद्दू की फसल देख रहे हो, अन्य फसलें देख रहे हो, इनका पूरा बायोमास हम कोई जलाते नहीं, उसके बायोमास का उपयोग करते हैं, वो मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलाने से कई जीवों का भोजन बनता है, तो यानी इकोलॉजिकल तैयार हो गई, जीवों का भोजन मिला यानी जीव की संख्या बढ़नी चालू हो गई, वो जीवों की संख्या बढ़ी तो एक में एक पे आश्रित जीव व्यवस्था निर्माण हो गई। तो अब ये हमने कद्दू की फसल ली, तो कद्दू की फसल के बाद दूसरी फसल हम लोग यहाँ चने की ले रहे हैं, तो कद्दू के बायोमास से भी हमें ज़मीन की उर्वरकता बढ़ी और चने का जो बायोमास है उससे भी उपज भी बढ़ी और उससे उर्वरकता भी बढ़ी। शर्मा की इस खेती में खर्च बहुत कम है और इसके फायदे अमोल हैं। जहां एक ओर प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, वहीं शर्मा का दावा है कि उनकी यील्ड सामान्य किसानों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। करीब 22 वर्षों की शर्मा की प्राकृतिक खेती ने उन्हें इतनी ख्याति दिला दी है कि हर हफ्ते करीब 3 बार 50-50 की संख्या में किसान उनसे प्रशिक्षण लेने आ रहे होते हैं और प्राकृतिक खेती के उनके प्रयोगों को देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के इस फॉर्मूले को सीखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 150 किसान हर हफ्ते इस प्रशिक्षण केंद्र में आते हैं। उन किसानों में कितने अपने क्षेत्र में वापस जाकर इस फॉर्मूले को वास्तव में लागू कर पाते हैं, इसका लेखा जोखा तो नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इसी फॉर्मूले में देश की खेती जिन ज्यादातर समस्याओं से जूझ रही है उन सब का समाधान मौजूद है। यवतमाल जिले में तिउसा गांव से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।